दोस्तों 18 मार्च को साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने हर बार की तरह अजमेर स्टेशन से 12:50 से निकलती है और उसके थोड़ी देर बाद यानी कि 1:04 पर ट्रेन मदार रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल के आसपास एक गुड्स ट्रेन से टकरा जाती है। तो आखिरकार क्या थी वो वजह जिसके चलते ये हादसा हुआ? तो दोस्तों देखा जाए तो मदार रेलवे स्टेशन पर साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस का स्टॉप नहीं होता था, पर उस समय जब ये रेल हादसा हुआ उस समय पर इस ट्रेन के साथ के ट्रैक से एक मालगाड़ी जा रही जिसने आगे जाकर साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस को बाईपास करते हुए ट्रैक चेंज करना था, जिसके लिए साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस को पहले डबल येलो सिग्नल दिया गया जहां पर लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आर तक करनी होती है और उसके बाद ट्रेन को येलो सिग्नल भी दिया गया यानी कि ट्रेन की स्पीड को 30 किलोमीटर पर आर तक लेकर जाना और उसके बाद ट्रेन को रेड सिग्नल दिया गया। पर लोको पायलट गलती से रेड सिग्नल को स्किप कर देता है क्योंकि उसके मन में तो यही था कि ट्रेन इस स्टेशन पे तो रुकती ही नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये लोको पायलट की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने इस सिग्नल को इग्नोर कर दिया। तो फिर होता क्या है कि लोको पायलट देखता है कि एक गुड्स ट्रेन साथ की पटरी से पास होते हुए उसके ट्रैक कट करती हुई जा रही है, तो जिसके चलते लोको पायलट एकदम से इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। ये साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस सीधा जाकर गुड्स ट्रेन की आखिरी कुछ बोगियों के साथ जाकर टकरा जाती है और इस कोलिजन के समय पर ट्रेन की स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, जिस करके साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस अपने लोकोमोटिव समेत 4 कोचेस को लेकर पटरी से नीचे उतर जाती है और जबकि गुड्स ट्रेन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि गुड्स ट्रेन काफी ज्यादा भारी थी और उसे खरोंच तक भी नहीं आती। पर हाँ, भगवान की इतनी मेहर रही कि किसी भी व्यक्ति को इस इंसिडेंट में कुछ भी नहीं हुआ, बस 2 लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई थी जिस करके उन्हें रेलवे के द्वारा फर्स्ट एड दे दिया गया था और उसके बाद उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया था। और दोस्तों इस इंसिडेंट के चलते वहां पर मौजूद तीनों ट्रैक ऑक्यूपाइड हो गए थे क्योंकि ट्रेन तीनों ट्रैक पर बिखर गई थी, जिसके बाद उस ट्रैक से आने जाने वाली 6 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया और बाकी उस ट्रेनों को किसी और रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया ताकि वो अपनी जर्नी को चालू रख सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार साबरमती आगरा कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ हुआ क्या था। तो दोस्तों ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।